वंदे मातरम करुणामयीमा परम प्रभु श्री अरविंद सप्तम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री भाई बापा मानंको आज विज्ञान क्लास को स्वागत। आमे गत क्लास रे कार्य एक विषय रे पढ़ीला कार्य एक जेनटा कि आम प्राक्टिकल क्लास रे करा जिवा बोली कुरी कह जे सेन्दा आज दुई नंबर कार्य कार्य टू यही कार्य टू को कार्य दुई को आम आम स्कूल विज्ञानागार रे आम एक कार्य दुई को करवा एवं कार्य दुई रे अच्छे चा चामच रे तृतीया बा कॉपर सल्फेट को एक बिकर रे अधक पानी नहीं द्रवीभूत कराओ जोड़े आम नमा तृतीया तृतीया कॉपर सल्फेट आम क्या करवा चमचे नमा आउ से चमचे के नहीं गोटे बिकर रे गोलाइबा जहाँफल गोलाई सारा पर कई बुंदा गंधकाम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बा गंधकाम्ल जाए कौजु से सल्फ्यूरिक एसिड रो कई बुंदा से तृतीया द्रवण रे मिसाइबा फल रे एक नील रंगर द्रवण टे मिलिबो से नील द्रवण को आम कौन करवा दुईटी बिकर रे नहीं दी भाग करवा दुईटा बिकर नमा आउ से दुई बिकर रे आमे दुई बिकर रे दुई भाग करवा कॉपर सल्फेट द्रवण को कॉपर सल्फेट द्रवण यही कॉपर सल्फेट द्रवण टी है नील रंगर कॉपर सल्फेट द्रवण टी है नील रंगर द्रवण टी आम पाई यही द्रवण को दुई भाग कर अधा द्रवण को अन्य एक बिकर रे रखिबा एबे से द्रवण रे गोटे बिकर रे आम कौन करवा गोटे लुहा कंटा नवा एतिरे गोटाए लुहा कंटा नवा आम लुहा कंटा देखी जा गोटे लुहा कंटाटे नवा आ से लुहा कंटा रे ये जो दी भाग कर कॉपर सल्फेट द्रवण नील रंगर जो था धीरे धीरे से लुहा कंटा और कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लुहा यही लुहा कंटा धीरे धीरे से कॉपर सल्फेट द्रवण रे रासायनिक प्रतिक्रिया हेबो एवं रासायनिक प्रतिक्रिया धीरे धीरे हेला परे आमे देखिबा यही नील रंगर द्रवणटी धीरे धीरे सबुज रंग द्रवण रे परिणत हेबो एवं तापरे आमे जदि लुहा कंटा को काढ़ी देखिबा ताले से लुहा कंटा उपरे एक कॉपर रो आस्तरण लागी रही थ देखा जे
कॉपर सल्फेट द्रवण CuSO4 कॉपर सल्फेट द्रवण कॉपर सल्फेट द्रवण सहित लोहा कंटार सहित लोहा कंटार रासायनिक रासायनिक प्रतिक्रिया फलरे प्रतिक्रिया फलरे कॉपर सल्फेट जो नील रंगर द्रवण था ता फेरस सल्फेट बा लौह सल्फेट द्रव फलरे लौह सल्फेट द्रवण जेनटा कि सबुज रंगर लौह सल्फेट द्रवण और लोहा कंटा उपरे कॉपर बा तंबार एक आस्तरण उत्पन्न हेबो ओ कॉपर उत्पन्न हेबो आम देखा कॉपर सल्फेट द्रवण सहित लोहा कंटार रासायनिक प्रतिक्रिया फल लौह सल्फेट द्रवण और कॉपर उत्पन्न हेबो इन आम देखला जे तृतीया बा कॉपर सल्फेट चामचे आम नहीं करी बिकर रे गुल्ला माने बिकर रे गोलाइला परे जेतेले बिकर रे गोलौछु सेतिरे केई बुंदा गंधकामळ को मिसौछु जहाँ फल ता एक नील द्रवण अटे उत्पन्न हेबो एवं सेई नील द्रवण को आम कौन करवा दुईटी बिकर रे अधा अधा ने माने गोटे बिकर रे अधा द्रवण अन्य एक बिकर रे आ गोटे अधा द्रवण नहीं कि आम से लुहा कंटाटे पकईवा यही कार्य को आम विज्ञानगार जितने स्कूल खोल से आम यही परीक्षाटी करवा देखा जे लौह सल्फेट द्रवण वर्ण किपर नील कॉपर सल्फेट द्रवण जिते लुहा सहित प्रतिक्रिया करते लौह सल्फेट द्रवण किपर नील रंग रु सबुज रंग में परिणत होता आम जापर अर्थात कॉपर सल्फेट द्रवण CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन लोहा सवान आम देखला फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर इला कॉपर सल्फेट द्रवण कॉपर सल्फेट द्रवण कॉपर सल्फेट द्रवण प्लस लोहा एम पाइबा लौह सल्फेट द्रवण लौह सल्फेट लौह सल्फेट द्रवण प्लस कॉपर कॉपर सल्फेट द्रवण रंग नील दिला जिते बिल लोहा सहित प्रतिक्रिया कला आम से सबुज रंगर द्रवण देखा पाइला लौह सल्फेट रंगटी है सबुज एवं से लोहा कंटा उपरे गोटे कॉपर आस्तरण देखा मिलला आम देखला इनु गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया यही रासायनिक प्रतिक्रिया रे कॉपर सल्फेट सहित लोहार रासायनिक प्रतिक्रिया है जहाँफल आम से लौह सल्फेट द्रवण और कॉपर उत्पन्न है दैनंदिन जीवन में आम बहुत गुड़े रासायनिक प्रतिक्रिया हमारे देखुचु तुम्हें देख सीमेंट चटाण आम घर सीमेंट चटाण जो लेंबु चिपुड़ दे से किपर बुदबुद हो गैस बाहर से रासायनिक प्रतिक्रिया तुम्हें देख पार आम ए जाणला रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया
କହିପାରିବା। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭିନେଗାର ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମିଶାଇକରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକରେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ତୃତୀୟା ବା କପର ସଲଫେଟ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ବିକରରେ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ଆମେ ଲୁହା କଣ୍ଟାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଲୌହ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଯାହାକି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କିପରି ନୀଳ ରଙ୍ଗରୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କଲା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲା। ସେହିପରି ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଜିପ୍ସମ୍ ଚୂନ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇକରି ସେଥିରେ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ହୋଇକରି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍, ସେହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କିପରି ଲେଖାଯାଏ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ କିପରି ଥାନ୍ତି ସେଟା ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହେବା, ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବା ଶୋଷିତ ହେବା, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ତାପ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲା। ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଲା କପର ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୌହର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ରଙ୍ଗର କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଲା। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ତା'ର ଗନ୍ଧରେ, ତା'ର ରଙ୍ଗରେ, ତା'ର ଶବ୍ଦରେ, ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହେବା, ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହେବା, ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହେବା, ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବା ଶୋଷିତ ହେବା, ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବା ତାପ ଶୋଷିତ ହେବା, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା,
ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହେବା, ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବା ଶୋଷିତ ହେବା, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା କପର ସଲଫେଟ୍ ତୃତୀୟା କିପରି ତା'ର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୁହାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକରେ ଦେଖିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭିନେଗାର ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କିପରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦାର୍ଥ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଶେଷରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏକ ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଶେଷରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ନୂତନ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିକାରକ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିକାରକ ବା ରିଆକ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିକାରକ କୁହାଯାଏ। ଓ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ
पदार्थ को उत्पाद कहा जाए, उत्पाद कहा जाए, उत्पाद कहा जाए। आम देखल रासायनिक प्रतिक्रिया रे जो पदार्थ गुड़िक भाग नहीं था से मानक बोल प्रतिकारक कहा जाए एवं उत्पन्न होता पदार्थ को उत्पाद कहा जाए प्रोडक्ट रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट। आम जेनटा देखु रासायनिक समीकरण रे बा जितेले रासायनिक परिवर्तन को आम रासायनिक प्रतिक्रिया माध्यम रे प्रकाश कर दौ से रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग न होता पदार्थ को क्या बोल प्रतिकारक बा रिएक्टेंट आ उत्पन्न होता पदार्थ को उत्पाद कहा जाए। जोथा आम कार्य एक देखा कॉपर सल्फेट सहित लुहार रासायनिक प्रतिक्रिया होता कॉपर सल्फेट हूँ प्रतिकारक एवं अन्य एक प्रतिकारक है लुहा जो थे उत्पन्न होते लौह सल्फेट, लौह सल्फेट है उत्पाद एवं कॉपर बा तंबाटी है उत्पाद। से आम देखल रासायनिक प्रतिक्रिया भाग ना पदार्थ को आम कहला कण प्रतिकारक कहा जाए एवं उत्पन्न होता पदार्थ को उत्पाद बा प्रोडक्ट कहा जाए। आम देखल रासायनिक प्रतिक्रिया आलोक निर्गत होगा ताप सृष्टि बा शोषित होगा शब्द सृष्टि होगा रंग परिवर्तन होगा गंधरे परिवर्तन होगा ग्यास सृष्टि होगा इत्यादि लक्षण रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश पाई है। रासायनिक प्रतिक्रिया भाग ना पदार्थ शेष एक एकाधिक नूतन पदार्थ को परिवर्तित होता है। देखला प्रतिकारक आउ उत्पाद रासायनिक समीकरण लेखिवार प्रणाली आम पहला गोटे उदाहरण देखा जी प्रतिकारक केंटा आउ उत्पाद केंटा जिते मर्क्यूरिक ऑक्साइड को उत्तप्त कले मर्क्यूरी और अम्लजान परिणत हुए मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ताप दे मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड संकेत है एच जी ओ मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ताप देले मर्क्यूरी ओ अम्लजान उत्पन्न हुए मर्क्यूरिक ऑक्साइड को उत्तप्त कले ताप देले एटारे ताप आम दौजु मर्क्यूरिक ऑक्साइड रे बा उत्तप्त करूँ जहाँ फल ताप शोषण कर सेकणा करे मर्क्यूरी ओ अम्लजान उत्पन्न करुचे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ताप देले मर्क्यूरी ओ अम्लजान उत्पन्न हुए। आम देखो एच जी ओ टू एच जी ओ कि आम क्या गल इन ताप देला जहाँ फल इन कण सृष्टि एच जी प्लस ओ टू इन टू एच जी ओटा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड इटा के प्रतिकारक कहा जाए प्रतिकारक प्रतिकारक आउ इन जेन उत्पन्न होगा यहाँ गोटे उत्पाद मर्क्यूरिक पारद बा मर्क्यूरी गोटे उत्पाद एवं अम्लजान गोटे उत्पाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ताप देले मर्क्यूरी ओ अम्लजान उत्पन्न हुए एठारे मर्क्यूरिक ऑक्साइडटा गोटे प्रतिकारक मर्क्यूरी जो उत्पन्न होगा ता गोटे उत्पाद एवं अम्लजान जो उत्पन्न होगा ता गोटे उत्पाद मैंने आम इनु गोटे प्रतिकारक के नहीं किंतु आम इनु केतेटा उत्पाद पाला जुड़े उत्पाद पाला जितेले आम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ताप देजु भांगी जाऊे अर्थात विघटन प्रतिक्रिया होता उच्चतर श्रेणी पड़ो अर्थात इनु मर्क्यूरिक ऑक्साइडटा गोटे प्रतिकारक आउ इनु मर्क्यूरी बा पारद गोटे उत्पाद एवं अम्लजान गोटे उत्पाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड को उत्तप्त गले पारद और अम्लजान
उत्पन्न हुए। संकेत ओ प्रतीक साहाज्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रकाश कले संकेत ओ प्रतीक साहाज्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रकाश कले ताकू रासायनिक समीकरण कहा जाए। रासायनिक समीकरण कहा को कहा जाए संकेत ओ प्रतीक संकेत ओ प्रतीक साहाज्य रे संकेत ओ प्रतीक साहाज्य रे संकेत ओ प्रतीक साहाज्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया को संकेत प्रतीक साहाज्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रकाश कले प्रतिक्रिया को प्रकाश कले ताकु रासायनिक समीकरण कहा जाए। ताकु रासायनिक समीकरण कहा जाए समीकरण कहा जाए। आम इन क्या गला संकेत व्यवहार कला एच जी ओ रासायनिक समीकरण क्या कह जाए संकेत ओ प्रतीक साहाज्य रे रासायनिक साहाज्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रकाश कले ताकु रासायनिक समीकरण कहा जाए रासायनिक समीकरण कहा जाए। रासायनिक समीकरण लेखिबार प्रणाली रासायनिक समीकरण लेखिबार प्रणाली आम रासायनिक समीकरण के केंति लेखमा पहला है प्रतिकारक समीकरण बाम पार्श्वरे प्रतिकारक लेखा जाए समीकरण बाम पार्श्वरे प्रतिकारक लेखा जाए प्रतिकारक लेखा जाए बाम पार्श्वरे क्या लेखमा प्रतिकारक लेखमा समीकरण बाम पार्श्वरे प्रतिकारक लेखा जाए समीकरण दक्षिण पार्श्वरे उत्पाद लेखा जाए आम दक्षिण पार्श्वरे कि लेखमा उत्पाद लेखमा दक्षिण पार्श्वरे आम उत्पाद अच्छे आउ बाम पार्श्वरे सैड है बाम पार्श्व सैड है दक्षिण पार्श्व समीकरण बाम पार्श्वरे प्रतिकारक लेखा जाए समीकरण दक्षिण पार्श्वरे उत्पाद लेखा जाए प्रतिकारक ओ उत्पाद प्रतिकारक उत्पाद मध्यरे प्रतिकारक ओ उत्पाद मध्यरे समान चिन्ह बा तीर चिन्ह समान चिन्ह बा तीर चिन्ह दिया जाए। आम क्या करसुँ इन तीर चिन्ह दिजे समीकरण बाम पार्श्व को चिन्हित करवा लगे तीर चिन्हटा दक्षिण पार्श्व को चिन्हित कर बाम पार्श्व बाम पार्श्व आम प्रतिकारक
लिखुचु दक्षिण पार्श्वे उत्पाद लिखुचु प्रतिकारक उत्पाद मध्य सामान बा तीरचिह दि जाए प्रतिकार प्रतिक्रिया रे एकाधिक प्रतिक्रिया रे एकाधिक प्रतिकारक भाग नेउतिले बा एकाधिक उत्पाद उत्पन्न हेउतिले से मध्य आम क्या करसु युक्त चिन्ह दे युक्त चिन्ह प्लस देखिए लिखसु आम प्रतिकारक आड़े जितकीटा लगिदेवा से प्रतिकारक जोग जोग देकर आम बसासु आ उत्पाद आड़े भी जोग चिन्ह जेपरी एठारे दिया है जी एजी आउ ओटू मध्य युक्त चिन्ह से मध्य युक्त चिन्ह दे लिखा जाए आम देखला रासायनिक समीकरण लिखिबार प्रणाली समीकरण बाम पार्श्वर प्रतिकारक लिखा जाए समीकरण दक्षिण पार्श्वर उत्पाद लिखा जाए एवं समीकरण एकाधिक प्रतिकारक किंबा उत्पाद थिले एकाधिक प्रतिकारक किंबा उत्पाद थिले सेमानंक मध्यरे आमे युक्त चिन्ह दे लिखि दऊ ताले बुझल एटा आईरटा ओके बोले आईर सप्तम श्रेणीर विज्ञान विषय ये शेष होगा बर्तमान आम जा असाइनमेंट को असाइनमेंट शून्य स्थान पूरण कर कॉपर सल्फेट प्लस एफी समान डैश प्लस कॉपर समीकरण डैश पारस्परी प्रतिकारक लिखा जाए
समीकरण दक्षिण पार्श्वरे डैस लिखा जाए प्रश्न नंबर दुई रासायनिक समीकरण काको जदि विज्ञान पिला मैंने जेनटा बुझे ना पार्ल मोर व्हाट्सअप नंबर रे कांटेक्ट करबो मो व्हाट्सअप नंबर ला 7008714381। आज सप्तम श्रेणी विज्ञान विषय ये शेष होगा। वंदे मातरम।